नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल ई मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बड़ी अपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 61 लाख किसानों के खाते में आएंगे 1220 करोड़ रुपये। दोस्तों, पूरी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो लास्ट तक। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के खाते में आने वाले हैं। राज्य सरकार ने 58,61,000 किसानों के अप्रैल से जुलाई की किस्त के भुगतान के लिए निधि अंतरण आदेश FPO केंद्र सरकार को भेज दिया है। बिहार के किसानों के खाते में कुल 1161,59,00,000 रुपये डाले जाएंगे। पुरानी किस्त के लिए भी 2 लाख किसानों का FPO भेजा गया है। इस तरह 61 लाख किसानों के लिए खाते में 1220 करोड़ रुपये आने वाले हैं। लॉकडाउन के चलते किसानों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की थी नए वित्तीय वर्ष में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में दे दी जाएगी। केंद्र की स्वीकृति सूची का राज्य सरकार ने मिलान कर अंतरण आदेश भेज दिया है। प्रत्येक पात्र किसान को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि बिहार में 65 लाख से ज़्यादा किसानों ने आवेदन कर रखा है लेकिन कुछ ना कुछ त्रुटि होने के चलते उन्हें अभी इस लाभ से वंचित करना पड़ रहा है। दोस्तों, आगे खबर जानते हैं। आगे खबर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान के पैसे केंद्र की ओर से सीधे किसानों के खाते में डाले जाने हैं। राज्यों की भूमिका सूची को मिलाकर पात्र किसानों का चयन कर अनुशंसा भेजने की होती है। यह पैसा उन्हीं खातों में भेजा जाता है जो आधार और मोबाइल नंबर के साथ लिंक है। कुछ किसानों के आवेदन में खाता के साथ आधार नंबर जुड़ा नहीं होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे किसान अपने बचत खाते के साथ आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक करवाकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे खबर है अगले हफ्ते तक 8.64 करोड़ को मिलेगा 5-5 किलो चावल और 1-1 किलो दाल। राज्य के सभी 38 जिलों में गोदामों को खाद्यान्न का उठाव शुरू हो गया है। अगले हफ्ते तक सभी 1,64,00,000 राशन कार्ड धारकों को 5-5 किलो चावल और 1-1 किलो दाल निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सैनी के मुताबिक जन वितरण प्रणाली की सभी दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें राय के 8,64,00,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये था आज का अपडेट आप लोगों के लिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपडेट अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।